नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फटाफट इंडियन में। दोस्तों आज हम आए हैं हुंडई की जो वेन्यू है उसके रिव्यू के लिए, और यहाँ पे जो नोएडा में एक्सपो है उसमें हम रिव्यू कर रहे हैं गाड़ी में क्या खासियत है, क्यों लें। मिड सेगमेंट की गाड़ी है और इस टाइम पे इंडिया के अंदर सबसे हाईएस्ट सेलिंग जो गाड़ी है उनके अंदर ये आ रही है। सबसे फास्ट सेलिंग जो गाड़ियाँ हैं टॉप गाड़ियों के अंदर आई हुई है, और रिव्यू के अंदर हम देखेंगे कि क्या इसकी खासियत है। वैसे तो आपने मार्केट में अभी देख ली होगी, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस किए गए हैं। 2020 जो मॉडल है वो इसमें दिखाया गया है। जो फ्रंट ग्रिल है मार्केट के अंदर रिवील हो चुकी है, आ चुकी है, तो इसलिए लगभग जो लोग इंटरेस्टेड है वो देख भी चुके हैं। और आज हम रिव्यू कर रहे हैं लेटेस्ट मॉडल का। प्रोजेक्टर लाइट इसमें दी गई है, इसके अलावा ये लाइट है जो नॉर्मल लाइट है इसकी लुक्स के लिए, और उसके हिसाब से लेटेस्ट डिज़ाइन के हिसाब से ये है। जो मिरर है इसमें लाइट साइड एंड लाइट इंडिकेटर है ये इसके अंदर, और जो डायमंड कट इसके टायर्स में दिया गया है, टायर्स का साइज भी हम देखेंगे। सीएट के टायर्स इसमें दिया गया है अभी, वैसे हर कंपनी हर जगह के हिसाब से अलग अलग टायर होता है। जो टायर साइज है वो है 215/16R16 ये टायर साइज है। और आयो सिटी इंडियन कार ऑफ द ईयर 2020 2020 में एसयूवी सेगमेंट में ये गाड़ी सबसे ऊपर चल रही है इस टाइम पे, यानी कि ब्रेजा, क्रेटा और किया, ये तीन गाड़ियां ऐसी हैं जो हाईएस्ट सेलिंग एसयूवी हैं इस अपने सेगमेंट के अंदर। 10 लाख की रेंज में सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियों में से है। इंजन जो दिया गया है इसका काफ़ी पावरफुल इंजन है, क्रेटा वाला ही इंजन इसके अंदर यूज़ किया गया है। और अंदर के हम फीचर देखने की कोशिश करते हैं। जो स्टेयरिंग है सारे फंक्शन स्टेयरिंग में दिए गए हैं, आर्म रेस्ट दिया गया है, और इसके अलावा गियर के अंदर आपको ऑप्शन है, 6 गियर का ऑप्शन है। डायमंड कट टायर्स जैसा कि आप देख सकते हैं, और पीछे का व्यू मैं आपको दिखा देता हूं। ये टेल लाइट है, इसकी पीछे की लाइट है, ये पीछे की लाइट देख सकते हैं दोस्तों। और यहां पे आपको रियर वाइपर मिलता है, इसके अलावा जो शीशे हैं वो एंटी फोग हैं, यानी कि जब फोग आती है तो उसको ये अपने आप साफ कर देते हैं। काफ़ी दोस्तों को ये चीज़ पता नहीं होगी, ये जो लाइनें होती हैं इस पर लाइन्स बनी होती हैं, ये होती हैं फोग को रिमूव करने के लिए। किसी भी गाड़ी में फोग को होती है तो उसको हटाने के लिए, जैसे कि हम ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे धुंध ज़्यादा है या वहाँ पर बारिश आ रही है, उस केस में ये शीशे को साफ रखेगा, शीशे को क्लीन करने में ये मदद करती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर्स होती हैं, बहुत पतली पतली वायर्स होती हैं जो इसको रिमूव करती हैं। और ऊपर जो है लेटेस्ट एंटीना आप देख सकते हैं, और यहाँ पर ये पीछे की लाइट आप देख सकते हैं। फ्यूल के अंदर आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे, दोनों यूज़ कर सकते हैं। प्लेस में काफ़ी बड़ी दी गई है, और एसी की कूलिंग मैंने खुद देखी है, एसी कूलिंग इसकी बहुत ही अच्छी है। बात करें माइलेज की तो कस्टमर्स का खुद का कहना है कि डीजल वेरिएंट के अंदर 20 से 22 की माइलेज जो है नॉर्मली सभी को मिल रही है। और इसके अलावा जो टॉप स्पीड है इसकी, अगर हम टॉप स्पीड की बात करें तो लगभग 180 से 190 तक ये आराम से पहुंच जाती है टॉप स्पीड इसकी। ये इसके नॉर्मल फीचर्स हैं दोस्तों। इसके अलावा आप जो है वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोई जो पूरी स्पेसिफिकेशंस हैं, इंजन की क्वालिटी है सब कुछ, वो सारा कुछ मैं आपको दे रहा हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। कोई भी इंक्वायरी है दोस्तों आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। और माफ़ कीजिएगा, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट गाड़ी के साथ, नेक्स्ट रिव्यू के साथ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।